तो नाउन की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई थी बच्चों? यस सर। है ना, सबसे छोटी परिभाषा में आपको क्या सिखाई थी बताएंगे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, हमने आपको काइंड्स ऑफ नाउन भी बताए थे आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो आपको याद है बच्चों? हाँ सर। देखिए, हमने आपको बताया था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एवेस्टिक नाउन बताया था। एवेस्टिक नाउन। हाँ बच्चों, हमने आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस भी बताया था, आपको ध्यान होगा वो उसका हो जाएगा, है ना? पर्सनल नेम, किसी बुक का पर्सनल नेम ही उसका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना? ओके सर। यस। अब बच्चों आते हैं हम आते हैं अगले नाउन की ओर, जिसका नेम है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों कलेक्ट मीन्स आप लोग जानते क्या होता है? कलेक्ट मीन्स होता है ऐसे जो जिसको अपन कलेक्ट कर सके। यस यस। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, इसकी डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए। हाँ की डेफिनेशन। हाँ बताओ। प्लांट्स वे नाउन जो किसी शब्द से हमें किसी भी समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या बात, बहुत अच्छे। तो आप अंग्रेजी में प्रवासेस की बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन, है ना? कलेक्शन किसका हो सकता है? कलेक्शन ऑफ पर्संस, है ना? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, है ना? टेकन टुगेदर। ओके, इसका एग्जाम्पल आप सुने। देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला बंच, हाँ बंच किसका कलेक्शन हो सकता है? बंच बताएं, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच क्राउड, क्राउड। हाँ जू बोले हाँ। यस, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों। अब आप इसमें इसका मतलब आप लोग कलेक्टिव नाउन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ओके चलो बच्चों, नेक्स्ट नाउन पे आ जाते हैं। हाँ अगला नाउन की डेफिनेशन नहीं लिखी, आप लिख लेना, मैं बोलूंगा। आप लिखना चाह रहे हैं क्या? यस सर। तो आराम से आप आवाज नहीं करिए, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन। लिखो, अ कलेक्टिव नाउन लिखा। यस सर। इज द नेम ऑफ, सर वोट नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, चलो सुन के। हाँ, नेम ऑफ अ नंबर, अ नंबर ऑफ पर्संस, ऑफ पर्सन, थिंग्स, थिंग्स और एनिमल्स, और एनिमल्स। यस, दिख लिया? अब देखो, टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर, लेकिन जब अंग्रेजी में सब परिभाषा नहीं, टी ए के ई एन, टेकन लिख लिया अंग्रेजी में, कर लूंगी। अब देखो टुगेदर, टी ओ जी ई टी एच ई आर, टुगेदर बनाने में टाइम,
एंड आदि का समय तो ग्रुप ऑफ एंड स्पोकन क्या सर एस स्पोकन एस पी स्पोकन हो गया चलो जा पहले सर स्पोकन एज एस एज दोनों है या लाइफलेस है ना बेटा इसको yes, में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लिंग है ना हाँ लिंग लिंग हाँ जेंडर नाउन के मेल या फीमेल को निर्धारित करता है ना या ये लाइफलेस है या ये कॉमन है ना इसको ये डिनोट करता है ओके हम जो अगली बाल सभा होने वाली है यानी कल उसके लिए हम अभी से नाम जिन लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भर पाया है वो विद्यार्थी हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम हमने भर दिया है भर दिया उनसे कोई बात नहीं है भर दिया है आपने बताया तो सुनिए जिनने नहीं भर पाया उनकी बात है अरे थोड़ा देर